देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता का विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की पार्टी नहीं, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, जो राष्ट्र पर समर्पित हैं और राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। मोदी जी को जो लोग ऐसे चेहरे दिखेंगे उनको वो जनता के बीच में भेजेंगे। बाहर के लोग जब आतंकी घटनाओं जैसे शिकार या कट्टरपंथी लोगों के शिकार होते हैं तो खून खौलता है, मेरा भी खून खौला। मैंने भी उस वक्त कहा कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पे अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, हमले होंगे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन समुदाय के लोग अगर इस तरीके की कृत्य करेंगे, घटनाएं करेंगे, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी भी धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी जाएगी। यात्राओं को रोक लगा देने की बात कही तो मुझको भी न जाने कितने देशों से, कितने आतंकी संगठनों से जान से मारने की धमकियां मिली। कर चर्चा करने के लिए चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं, चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने एकदम खेला कर दिया? धर्मेंद्र जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और यहाँ तक कि देश की राजनीति में प्रथम बार ये देखने को हम सबको मिला कि मोदी जी ने जो जनता से वादे किए वो तो पूरे किए ही किए हैं, साथ साथ में जो वादे नहीं भी किए थे, जो जनहित के लिए, जनकल्याण के लिए, देश हित के लिए काम होने चाहिए, उन बिंदुओं पर भी उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ में देश के अंदर एक नए तरीके से काम किया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मामा शिवराज ने लाडली बहना योजना चलाई, जिसमें बड़ा ही वोट बैंक एक बार पुनः बीजेपी को मिला है। मामा को सीएम पद की शपथ नहीं दिलवाई गई, और एक जो पीछे एक कुर्सी बैठा था विधायक है वो सीएम बन गए। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास, मोदी जी की गारंटी, अमित शाह जी की रणनीति और शिवराज सिंह चौहान जी का जनता में किया हुआ काम, इन सब पर मध्य प्रदेश पुनः जीत कर आना, और भारतीय जनता पार्टी जैसे कि लगातार देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी ये बात मंच से लगातार देश की जनता को संबोधित होते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, उसी का एक ये उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बदलने के लिए, देश को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी ऐसे हीरे डायमंड हैं जो राष्ट्र पर समर्पित हैं और राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं, मोदी जी को जो लोग ऐसे चेहरे दिखेंगे उनको वो जनता के बीच में भेजेंगे। मामा की बहनें रो रही थी, कह रही थी भैया आप छोड़ के ना जाओ, आप ही सीएम रहो। निश्चित रूप से इतने लंबे समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर शासन किया है, निश्चित रूप से वहाँ की बहनों से उनके प्रति लगाव होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत अच्छे सिपाही थे, और जैसा कि आपको पता है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से पहले वहाँ आदरणीय सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री रहीं, इसके बाद बाबूलाल गौड़ जी वहाँ मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शिवराज सिंह चौहान जी भी इस लायक हैं कि वो मध्य प्रदेश में सरकार चला सकते हैं। उस वक्त माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी कोई मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखता था, भारतीय जनता पार्टी को ही लगा कि ये प्रदेश चला सकते हैं। जैसे आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, तो उसी प्रकार से जब शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम आया था तो इसी तरीके से जो है प्रदेश की और देश की जनता चौंकी थी। अब चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की
जो रणनीति रहती है वो राष्ट्र हित में रहती है, जनता हित में रहती है। और जैसे कि परीक्षा कोई दे परिणाम किसी और के सामने और ले जाए, कैसे देखते हैं विधायक जी? देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मीडिया का दृष्टिकोण हो सकता है, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, अन्य विरोधी दलों का ये दृष्टिकोण हो सकता है, नज़रिया हो सकता है, मगर पूरे देश में चुनाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा गया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पे लड़ा गया। किसी ने सोचा नहीं था कि श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब भी लोग चौंके थे। और आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को चला रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है बहुत सोच समझ के और राष्ट्र हित में और जनता हित में लेता है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गोली मार के हत्या हुई है, अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला, कैसे देखते हैं? क्या कब तक संघर्ष वो लोग करेंगे और कब उन्हें न्याय मिलेगा? नहीं, जल्द ही देखिए, मैं तो पहले आपके माध्यम से स्वर्गीय श्री सुखदेव जी के परिजन को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करूंगा। और ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही दुख की बात है ऐसी घटना का घटना, ऐसी घटना देश में घटना सर्वनाक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, ऐसी घटनाएं देश में नहीं घटनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे जो हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, गांव रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को निशाने पर निशाना बनाया जाता है। विशेष तौर से जो लोग धर्म रक्षा की बात करते हैं, जब जिहादी लोग हिंदुत्व पर हमला करते हैं, जब जिहादी लोग देवी देवताओं पर हमला करते हैं, तब हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोग जब आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए आतंकी संगठन, कट्टरपंथी संगठन ऐसे नेताओं को धमकी देते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था, तो उस वक्त हमारे कई हिंदू भाई उस आतंकी हमले में मारे गए थे। मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई थी, उस आहत भावनात्मक में मैंने भी, मुझसे नहीं रहा गया था और किसी से भी नहीं रहा जा सकता है। अगर किसी के परिवार के लोग जब आतंकी घटनाओं जैसे शिकार या कट्टरपंथी लोगों के शिकार होते हैं, तो खून खौलता है और खून खौलना भी चाहिए। मेरा भी खून खौला, मैंने भी उस वक्त कहा कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, हमले होंगे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जिन समुदाय के लोग अगर इस तरीके की कृत्य करेंगे, घटनाएं करेंगे, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी भी धार्मिक यात्राओं पर रोक लगा दी जाएगी। जब मैंने मात्र धार्मिक यात्राओं को रोक लगा देने की बात कही, तो मुझको भी न जाने कितने देशों से, कितने आतंकी संगठनों से जान से मारने की धमकियाँ मिली। मैं भी निशाने पे हूँ। मैं न्यायालय से आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि न्यायालय अपना निर्णय इस तरीके के मामलों में शीघ्र से शीघ्र करे। जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल की वीडियो रिकॉर्ड कर सर तन से जुदा का नारा लगाते हुए उसका सर कलम किया गया है, ऐसे कृत्य करने वाले, ऐसी घटना को अंजाम देने वाले को तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा देनी चाहिए। उनके परिजन अभी भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ,
ऐसी कृत्य करने वाले, घटना को अंजाम देने वाले चाहे जो भी हों, उनको तत्काल प्रभाव से फांसी की सज़ा देनी चाहिए और उनसे जुड़े लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनसे, उनके धर्म गुरुओं से भी पूछताछ होनी चाहिए, उनके परिजन से भी पूछताछ होनी चाहिए कि अगर इतने बड़े स्तर पर वो देश के लोगों को डराने की कोशिश करने वाले, ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर किया हुआ हमला नहीं है। वीडियो बनाकर गला रेतना, सर तन से जुदा होने का नारा लगाना और इसको वायरल करना, ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या करना नहीं है, ये देश के अंदर रहने वाले 125 करोड़ हिंदुओं को डराने जैसी घटना है। आपका इशारा किस तरफ है? मैं कह रहा हूँ जिन समुदाय के लोग हिंदुओं को अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि हिंदू डरने वाला नहीं है। हम लोगों ने इतने वर्षों, हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, हार नहीं मानी है, ना डर के घर पर चूड़ियां पहन के बैठे हैं। तो ये याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने अगर लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो हमारे अंदर उन्हीं महापुरुषों का खून है, हम लोग किसी से कम नहीं हैं, मगर हम संविधान पर भरोसा रखते हैं, न्यायिक प्रतिक्रिया पर भरोसा रखते हैं, इसलिए शांत हैं। अगर तुमको ये लगता हो कि हमारी शांति का कारण हमारी बुजदिली या कमजोरी है तो ये गलत फहमी तुम अपने दिमाग से निकाल देना। हम लोग डरते नहीं हैं, मगर हम देश के संविधान पर भरोसा रखते हैं, न्याय प्रतिक्रिया पर भरोसा रखते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से न्यायालय से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द राजस्थान में घटने वाली घटना, पहले कन्हैया लाल और अब स्वर्गीय सुखदेव जी की घटना पर जल्द से जल्द जो है निर्णय आना चाहिए और ये कृत्य करने वाले, घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने आज जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में क्षेत्र के तमाम किसानों की समस्याओं को सुना है और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में एक चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपनी बात रखी है और ऐसे ही मामलों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ। मैं धर्मेंद्र कुमार, एनडीटीवी भारत, महोबा।